असलान प्रोग्राम जवाब खपे से गुड मैं हाँ इम्तियाज मीर सदारती चूंडू एक तरफ मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब बी तरफ महमूद खान अचकज़ई होंद मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक दफो वरी सभी के चुआ तो मुल्क खातिर आवाम खातिर गदजी कम कजे डिफ्रेंसिस के खत्म कजे बी तरफ जो सुन्नी इतिहाद कौंसिल में आहन उन शोर शराबो के बिलावल साहब बार बार इन गाल जी निशानदही भी कई यो चयो भी सही साइफर केस वाकई जो मुल्क के विच में कम्युनिकेशन होंगी वही सेंसिटिव होंगी है जी उन साइफर के पीटीआई बानी चेयरमैन जड़े तरीके से उछालियो यो भी तारीख में इन मिसाल कोन थी मिले जमहूरियत सिस्टम पार्लियामेंट इन शे अंदर अवामी मसाइल जो हल है मुख्य टेलीफ्लाइन से ज्वाइन किया एंथनी नवीद साहब डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली आए मैं आपको वेलकम करता हूं सर अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। एक तो आपको मुबारक भी हो डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली बने हैं सबसे पहले। बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई बहुत शुक्रिया। जिस तरह के हालात हैं मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए पार्लियामेंट के लिए एक बड़ा किरदार अदा किया है। आज भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि मिलके काम करते हैं, दूसरी तरफ वही शोर शराबा वही आपको पता है जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई क्या कहेंगे इम्तियाज साहब। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि आपके सामने इस मुल्क में एक बहुत बड़ा अजीम सानिया इस कौम ने देखा जब पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी इस्लामिक वर्ल्ड दुनिया की अजीम लीडर बेनजीर साहबा को जब शहीद कर दिया गया तो उन हालात में भी बहुत सारी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके बहुत कुर्बानियां दे के सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का ना सिर्फ नारा लगाया बल्कि मफामत की ऐसी सियासत की पाकिस्तान में बुनियाद रखी जिसकी चाहे उसको आसिफ अली जरदारी साहब से कोई इख्तलाफ हो या उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हो वो उनकी रिकंसिलेशन की पॉलिसीज की तारीफ करने पर मशहूर है। और इस वक्त भी पाकिस्तान जिन हालात का सामना कर रहा है उसमें भी मफामत जो है वो नागजीर हो गई है। और अगर आप अपने जाती मफाद को और जाती अना को बुनियाद बनाकर अगर आप अपनी पॉलिटिक्स को करना चाहेंगे तो फिर रियासत पाकिस्तान के लिए जो है इस वक्त जो माशी चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको अपनी जात को अपनी अना को थोड़ा सा चार कदम पीछे आकर अगर मुल्क को अजीज जानकर मुल्क की मफाद में फैसले करेंगे तो फिर ही हम जो है वो रियासती अमूर को चला पाएंगे। और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने माजी को अपनी जो पॉलिटिकल विजडम पॉलिटिकल लेगेसी को सामने रखते हुए जो फैसले करने जा रही है उसमें मैं समझता हूं कि जो मुल्क की दूसरी सियासी जमातें हैं इस तरीके से उस चीज को एक्सेप्ट कर रही हैं। तो ये जो तरक्की का एक सफर है अल्लाह ने चाहा तो ये पहिया दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। नवीद साहब आपको पता है कि मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब एक बड़े मंझे हुए सियासतदान है, मुफामत की सियासत जिस तरह जमहूरियत ने कंटिन्यू किया है उसमें सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन 18th अमेंडमेंट है। आपको पता है कि बलोचिस्तान के हुकूक हो और सूबों को एम्पावर करना मजबूत करना और जिस तरह सबको लेके चलना एक एक कौमी फरीजा है। आपको पता है कि इस मुल्क के लिए रियासत के लिए एक दफ़ा फिर मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब सदर बनने जा रहे हैं और नून लीग का दूसरी तरफ मौकफ यह है कि पीपल्स पार्टी जो है ना एक बड़ी सियासी जमहूरी जमात है उसको काबीना का हिस्सा भी होना चाहिए, यह बेहतर होगा कि वो हमारे साथ हो, क्या कहेंगे? सॉरी जरा दोबारा रिपीट करेंगे आखिरी वाला हिस्सा मैं थोड़ा मिस कर गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा है, ख्वाजा आसिफ ने कहा है पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत को ज्वाइन करे। ओके 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 ठीक है मैं समझ गया आपकी बात। देखिये मेरे साहब अर्ज यह है कि ना सिर्फ 18th अमेंडमेंट है और 18th अमेंडमेंट को आप कॉन्स्टिट्यूशन की एक सिंपल अमेंडमेंट का नाम नहीं दे सकते। असल में यहाँ पर जो छोटे सूबे थे उनको उनकी रिसोर्सेस तक रसाई को यकीनी बनाया गया है
वहां पर लोगों को एम्पावर किया गया है कि वो अपने मसाइल को अपने सूबों की तरक्की पर लगा सके और वो अपने अपने सूबे की खिदमत कर सके। उसके साथ साथ आप जरदारी साहब का देखें, जब उन्होंने एनएफसी अवार्ड दिया जो एक कई सालों से जो है वो सब रुका पड़ा हुआ था, उसके अलावा जो सबसे जो मैं समझता हूं कि किसी भी शख्स के लिए ताकतवर तरीन ओहदे पर रहते हुए अपने इख्तियारात को दूसरों तक देना, जो आपने देखा कि माजी में होता रहा था कि सदर पाकिस्तान जब चाहे किसी भी असम्बली को रोल बैक करके घर में भेज देते थे, वो इख्तियार उन्होंने एक मुंतखब जो पार्लियामान को देना, ये ऐसे तारीखी फैसले हैं जिसमें जैसे मैंने पहले अर्ज की थी कि रिकंसलेशन की मिसालें जो है अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सदर आसिफ अली जरदारी के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगे कि जब आप खुद चार कदम पीछे होते हैं और मुल्क के मफाद में फैसले करते हैं। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब अभी फरमा रहे हैं, ये ठीक है कि एक जमहूरी अमल चलाने के लिए या एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए अगर वो ये बात कहना चाहते हैं या उनकी अगर ख्वाहिश है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा ना सिर्फ स्पेस देना चाहती है मोसम्बिक नून को, बल्कि उनकी टीम में वो मतलब उनकी ख्वाहिश है कि आप मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो भी आपके जिस भी शोबे के जो महारत रखते हैं लोग, आप अपने टीम को सामने लाएं और जो बेस्ट आप अपने एबिलिटीज और अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से समझते हैं, हम ना सिर्फ उसको सपोर्ट करेंगे बल्कि जहां जरूरत होगी वहां पर हम आपकी इसलाह भी करेंगे। लेकिन हम किसी स्टेज पे ये नहीं चाहते कि जी किसी भी हवाले से कोई इस किस्म की बात हो कि मतलब अगर हम होते तो ये कर देते, हम होते तो ये कर देते। बिल्कुल हम उनके मैंडेट को ना सिर्फ तस्लीम कर रहे हैं बल्कि उनको पूरा जो है वो एक मौका भी फराहम कर रहे हैं कि वो अपने मंशूर के मुताबिक और अपने जो इत्तेहादी हैं उनके मंशूर के मुताबिक अपनी तजर्बा का टीम को जो है वो मुल्क की खिदमत के लिए लाइन सामने करें। हमने तो लास्ट कॉमेंट में भी इमरान साहब को जरदारी साहब ने बिल्कुल इनिशियल डेज में कहा था कि आए हम एक माशी जो है वो मिसाक करते हैं और उस मईशत के मिसाक में हम सारी चीजें बुलाकर जो है मुल्क की मफाद में पीटीआई काम करने को तैयार है। तो हमें वजारतें नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान की मजबूत मुस्तहकम मईशत चाहिए। तो ख्वाजा आसिफ साहब की मेहरबानी वो इस तरह सोचते हैं, लेकिन वो अपनी सारी तवज्जो पाकिस्तान की तरक्की पे लगाएं, हमारी सपोर्ट उनके साथ है। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चाहे तहरीक अदम एतवाद एक आइनी तरीका था, जमहूरी तरीका था, उससे जिस तरह वज़ीरे आज़म को घर भेजा वो भी आपके सामने, इससे पहले नून लीग की हुकूमत थी 2014 था, आपको पता है धरना था डी चौक पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस टाइम उस हुकूमत के साथ जमहूरियत के साथ पार्लियामेंट के साथ खड़ी हो गई, तो सिस्टम भी बचा और आपको पता है टाइम भी उन्होंने पूरा किया। एक दफा फिर अब पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर या तावुन के बगैर तो ये हुकूमत चलना तो बहुत ही मुश्किल है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की दो बड़े सूबों में, वैसे भी पीपल्स पार्टी की हमेशा एक प्रो पीपल और प्रो डेमोक्रेसी पॉलिसी रही है, इस वक्त भी तो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट ही चाहिए चाहे आप गवर्नमेंट का हिस्सा बने या नहीं बने, क्या कहेंगे? देखिए हम तो गवर्नमेंट का हिस्सा ना बनकर भी सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आपको तो देखिए हम तो एक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको सपोर्ट करने के लिए वो आए हैं ना, हम उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जो है वो वजीर बने। बाकी देखे आईनी ओहदों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों के साथ बिल्कुल मौजूद है और उन्होंने पहले भी कहा है कि हमारी हर किस्म की सपोर्ट साथ होगी। तो हम तो अगेन वो बात होगी, हम तो चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक कंसेंसस के साथ और हम आगे बढ़े और पाकिस्तान को आगे लेके हम माशी तौर पर आगे बढ़े। डिप्टी स्पीकर साहब, आपको पता है कि आज सिंध के अंदर, सिंध का बड़ा शहर कैपिटल कराची और इस पूरे मुल्क की जान है कराची, सबसे बड़ा शहर है, एमक्यूएम को एक दफा फिर मैंडेट जिस तरह आया है उसकी ऑडियो वीडियो लीक्स पे नहीं जाता, गवर्नर साहब हो मुस्तफा कमाल हो उसकी डिटेल में नहीं जाता,
एक दफा फिर पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया है कि सदारत के लिए आसिफ अली जरदारी साहब को वोट दिया जाए। आपको खुद पता है कि एमक्यूएम की सियासत, एमक्यूएम का रवैया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, पहले हकूमत में भी रहे हैं, कुछ ऐसी बातें भी हैं, इसमें कन्फ्रंटेशन भी रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए सब, अगर मुल्की मफाद में, अगेन हम बात करेंगे 2008 के टेन्योर की सदर आसिफ अली जरदारी साहब के, तो जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, अगर उनको एक टेबल पे बिठा दिया जाए और मुल्की मईशत के लिए, वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, अगर सारी कुवतें एक टेबल पे बैठ जाती है, तो इसमें खास क्या है, इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? फिर हम एक दूसरे के माजी पर ही उंगलियां उठाते रहेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम तो नहीं बढ़ सकते कभी भी। तो हमने तो यही सीखा होगा अपने उस्तादों से कि आए इख्तलाफ राय पे इत्तफाक करें, इख्तलाफ राय पे इत्तफाक हो सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द विल कि आगे क्या है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप बढ़ सकते हैं। जिस तरह जो तनकीद की जाती थी, अब मैं उसको दोहरा तो नहीं रहा, मौलाना फजल रहमान के लिए पीटीआई के चेयरमैन बानी चेयरमैन जलसों में जो नारे लगवाते थे, और जिस तरह अचकज़ई साहब के लिए, और आज मौलाना साहब उनके साथ मीटिंग्स, और अचकज़ई साहब उन्हीं की तरफ से आपको पता है कि सदारती उम्मीदवार है, ये सियासत के कैसे कैसे रंग हैं डिप्टी स्पीकर साहब? ये तो आप इमरान खान साहब से पूछे ना कि कल महमूद अचक खान साहब की वो नकलें उतारते थे, आज उनका सदारती उम्मीदवार है, इसका जवाब तो वो देंगे ना। मैं कह दू, मैं तो अपने जो सदारती उम्मीदवार है उसके ना, मौलाना फजल रहमान के लिए तो बड़े, हर किस्म के जवाब देने को तैयार हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब तो बड़े एक सीजन पॉलिटिशियन है, वो चीजों को समझते हैं, इस मैंडेट को नहीं मानते, वो कहते हैं कि मैं मुस्तरद करता हूँ इस मैंडेट को, मैं तहरीक चलाऊंगा। उन्होंने हमेशा जमहूरी बात की है, पार्लियामेंट की बात की है। 2018 में भी वो नहीं बैठ रहे थे पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको कायल किया और बिठाया, क्या कहेंगे सर? देखिए मैंने पहले भी अर्ज की है कि जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उसे डायलॉग करना चाहिए, और सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने हमेशा जो है वो डायलॉग के प्रोसेस को कभी भी नहीं रोका। सही। तो इसमें तो कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है कि जी फजल रहमान साहब के साथ डायलॉग कर रहे हैं, एमक्यूएम के साथ डायलॉग कर रहे हैं, भाई जितनी भी जमहूरी कुवतें हैं उनसे डायलॉग कर रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बड़ी मेहरबानी एंथनी नवी साहब, डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली, और जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह की सूरत हाल है, जड़ी सूरत हालात तहाँ के सामू आए मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब एक दफ़ो वरी सदारत जलाए मुल्क जहाँ जो इशूज़ आन तहाँ के सामू आन ब्रेक जो टाइम थे ब्रेक खत्म। वेलकम इराज़ी, मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा मारूफ, आपको पता है कि हमेशा बेहतर तज़िया रहता है उनका, सीनियर सियासतदान है और नून लीग से उनका ताल्लुक है, मोहतरम जनाब शेख रोहेल असगर साहब मेरे साथ हैं। शेख साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बड़ी मेहरबानी सर आपकी, शानमंद आपका। शेख साहब हालात आपके सामने हैं, वक्त काफ़ी आगे निकलता जा रहा है, जो हालात हैं मुल्की मैशियत के, सियासत के, पीटीआई की कयादत आज भी वो माजी से नहीं सीखे, वही सियासत, वही शोर शराबा असेंबली के अंदर, जिस तरह मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बार बार उनको मिलके कहा कि आए मिलके आगे बढ़ते हैं मुल्क के लिए और मईशियत के लिए, क्या कहेंगे शेख साहब? मैं ज्यादा तो नहीं कह रहा, लेकिन मेरी आवाज अगर उन तक पहुंच जाए आपकी विरासत से, तो मैं इतना ही कहूंगा कि इस मुल्क के लिए सोचें, मुल्क के अवाम के लिए सोचें, अपने अपने मकासद या अपनी जो आपकी है कमिटमेंट, उसके हट के सोचें। अगर आप ये सोचेंगे तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप नहीं सोचेंगे तो इसका नुकसान भी आपको होगा, सियासी तौर पे भी और जाती तौर पे भी। अवाम आप इतने मासूम तो नहीं है ना, अवाम देखते हैं सब कुछ, आप देख रहे हैं। अगर फर्ज कीजिए आप इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं या किसी के साथ आप हाथ बटाते हैं, तो मेरे ख्याल में अवाम आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर इस टाइम शोर गोल होता रहेगा तो मेरे ख्याल में शायद हुकूमत तो अपना काम करती रहेगी और करना भी चाहिए, हुकूमत को तो इन चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज करना चाहिए,
और ये हुकूमत की एक बड़ी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि अगर वो इस तरह इन मामलों में उलझ गए तो उनका तो अपना रास्ता ही खत्म हो जाएगा, फिर वो रुक जाएंगे, उनकी जो सोच है या उनकी जो पॉलिसी है वो तो खत्म हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में हुकूमत पे इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बुर्दबारी से, होशमंदी से और बड़े सब्र तहम्मुल से अपोजिशन का सामना करें, और तुर्की पर तुर्की जवाब देने की जरूरत नहीं है, बहस में उलझने की जरूरत नहीं है, अपना जो काम है, जो मनसब है, उस पर आप बैठ के अपने इस मुल्क और आवाम के लिए सोचें, बस बाकी चलता रहेगा काम, ये तो होता रहता है। शेख साहब, आप एक पाकिस्तान के जीरक सियासतदान हैं, चीज़ों को समझते हैं, बड़ी धीमी आवाज़ में भी तनकीद करते हैं। मौलाना फजल रहमान भी एक पुराने सियासतदान हैं, लीडरशिप JUIF की, उनको क्या हो गया है जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके बयानात हैं, जो उनका जमहूरियत के लिए है, जिस तरह का सियासी रवैया, ये एक्सपेक्ट आप कर रहे थे? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो मौलाना साहब एक सीजंड पॉलिटिशियन है, मेरे ख्याल में शायद दशका लगा उनको आवाम की तरफ से जो रिजल्ट आया ना, उसकी वजह से उनको एक अजीब सा दशका लगा, जिसकी वजह से वो खासे फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं। मैं होना नहीं चाहिए, हाँ ये ऐसे चलता रहता है, आगे कौन सा वो 700 सीट लेके आ जाते थे, 7 नहीं 10, 10 नहीं 12। सही, तो अब ये चीजें तो एक हिस्सा है, इस खेल का हिस्सा है, अवाम फैसला करते हैं, अवाम ने अगर ये फैसला कर दिया है तो इसमें हुकूमत का या पाकिस्तान का कसूर तो नहीं है। और अब मेरे ख्याल में इसको बड़ी बुर्दबारी से, उनको भी बुर्दबारी से ये काम करना चाहिए, इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए, अवाम के लिए सोचना चाहिए। कब तक आप अपने लिए सोचते रहेंगे, कब तक आप अपने जो आपकी ख्वाहिशात है उनकी तकमील के लिए सोचते रहेंगे? कभी कभी मुल्क के लिए भी सोच लिया कीजिए, वरना फिर वो यही आएगा कि 70 साल से यही चल रहा है, और फिर लोगों का जो एक भरोसा है या एतमाद है या इत्तेहाद है, जिसपे आप जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, जमहूरियत कहते हैं, उससे भी फिर उनका वो भरोसा और एतमाद उठ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? फिर तो कमजोर हो जाएंगे आप, बिल्कुल ही कमजोर हो जाएंगे। तो लिहाजा मेरे ख्याल में मैं इस पोजिशन में तो नहीं हूँ कि मैं उनको मशवरा दूँ, लेकिन कह जरूर सकता हूँ और बड़ी आजिशी से कह सकता हूँ कि जरा मेहरबानी करें, तम्बल बर्दाश्त और मुल्क के लिए सोचें, मगर अपने लिए सोचें छोड़ गए। मेरी और उनकी उम्र जो है ना, वो अब उस हिस्से में पहुंच गए कि जहाँ के हमारी अपनी ख्वाहिशात कोई ख्वाहिश नहीं होती। जिस तरह सर गवर्नमेंट में दो बड़ी सियासी जमातें, MQM भी उसका हिस्सा ही है, आप नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत बार बार ये कह रही है कि कोई अब बदले की सियासत नहीं होगी, इंतकाम की सियासत नहीं होगी, लेकिन ये कहाँ से हो गया कि जिन्होंने 9 मई किया जाए उनको माफ़ किया जाए? उसके लिए तो सज़ा होनी चाहिए, वो रियासत के ऊपर हमला था, वो मुल्क के ऊपर हमला था, वो पूरे इदारे के ऊपर हमला था। शेख साहब देखिए जी, हकीकत यह है कि हुकूमत को हर काम बड़े सोच समझ के करना चाहिए। सही, अगर कह रहे हैं कि 9 मई का को हुकूमत पे तो हमला नहीं हुआ था, जिस अदारे पे हमला हुआ था वो अदारा अगर माफ करता है या अदारा फॉरगो करता है तो कर लीजिए। अगर आप अपने अदारों को ये तबाह करेंगे और लोगों को ये खुली छुट्टी दे देंगे कि वो अदारों के साथ ये कुछ करें, तो मेरे ख्याल में फिर ये मुल्क का कमजोर होता चला जाएगा। आपकी सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है या आपकी जो ताकत है वो तो आपका एस्टेब्लिशमेंट की है ना जी, फौज है आपकी। अगर फौज को आप इतना कमजोर करते चले जाएंगे, बस चलिए आपका किसी फर्द वाहद के साथ तो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मिनहासल एक अदारे के तो नहीं हो सकता ना, आप अदारे को तबाह नहीं कर सकते। मुझे ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे, शेख साहब टेलीफोन लाइन पे रहे, मुझे ज्वाइन किया है बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद सैफ अली, PTI से उनका ताल्लुक है, सेनेट रही चुके हैं, मारूफ सियासतदान है, सीनियर सियासतदान है। बैरिस्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब मोहतरम जनाब शेख रोहेल असगर साहब भी नून लीग से उनका ताल्लुक है, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, शेख आपको सलाम। बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा, आपने अपर हाउस को भी देखा, पिछले 4-5 साल भी आपने देखा कि एक सियासत जो है, इस सियासत में इंतकाम भी नजर आया, बदला भी नजर आया। अब मौजूदा कयादत कह रही है कि सबको मिलके साथ चलना है, लेकिन अपोजिशन में जो लोग बैठे हैं उनका रवैया सख्त है, क्या कहेंगे बैरिस्टर साहब? जी देखिए, जहां तक अपोजिशन के सख्त रवैये का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का
रवैया सख्त होना, सियासत में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अपोजिशन का रवैया जो है वो नाजेबा नहीं होना चाहिए, वो जारहाना नहीं होना चाहिए। सख्त स्टांस तो अपोजिशन ने लेना है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जो सियासी अजाइम है या जो सियासी मौकफ है उसका इजहार भी करना है और उसको भरपूर तरीके से करना है। रह गई बात जो अभी बात हो रही है आपके प्रोग्राम में के कौमी असम्बली में जिस तरह की बातें हो रही हैं या जो कार्रवाइयां हो रही हैं, यकीनन देखिए ये सब कुछ ना होता और कौमी असम्बली बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रही होती, चलाई जा रही होती, अगर इलेक्शन के नतायज को पर असरअंदाज ना हुआ जाता और इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ होते और कौम उससे मुतमईन होती। मैं समझता हूँ कि अगर आप इस वक्त जायजा लें, इवन अपने मीडिया का जायजा लें, अपने कॉलम का जायजा लें, अपने प्रोग्रामों का जायजा लें, सियासी ग्रोहों से बात करें, सियासी पार्टियों से बात करें, तो सब लोग यही कहेंगे कि जो इलेक्शन हुआ है और जिस तरह की इंतखाब हुआ है वो इत्मीनान बख्श नहीं है, उस पर सवालात है, एतराजात है। तो इस तरह की सिचुएशन में तो यकीनन महाजाराई भी रहेगी और कंसेंशन सख्त रवैये और जान जितना जो तरीक है देखने में मिलेंगे। ये अब हमारी एक मैं समझता हूँ एक ऐसा पॉलिटिकल स्टेलमेट सा बन गया है जिससे निकलना बहुत जरूरी है और उससे निकलने के लिए वाहिद रास्ता यही है कि आवाम ने जिनको मुंतखब किया है असेंबली की सीटों पे उनको बैठना चाहिए, 45 वालों को बैठना चाहिए, आना चाहिए। बिरसर साहब, गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग बैठे हैं, अभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें कहा जा रहा है कि कह रहे हैं कि सिंध के अंदर दांधली हुई, बलूचिस्तान के अंदर दांधली हुई, पंजाब के अंदर दांधली हुई, केपीके में उनकी गवर्नमेंट बनी है वहां तो कहते हैं कोई दांधली नहीं हुई, वहां उनकी गवर्नमेंट बनी है, यह कैसी दांधली है कि वहां दांधली नहीं हुई और यहां दांधली हुई, क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ बिल्कुल जो कहा जा रहा है यही कहना भी चाहिए हुकूमत को। उसकी वजह यह है कि अगर मैं हुकूमत की सफा में होता तो मैं भी यही आर्गूमेंट रेज करता और पीटीआई के जो इलेक्शन के हवाले से मौका है उसकी क्रेडिबिलिटी को मैं इन्हीं दलाइल से डेंट करने की कोशिश करता। ये बड़ी लॉजिकल बात कर रहे हैं और उसकी वजह यह है कि इनके पास पा को दिखाने के अलावा और कुछ है भी नहीं और वो यही कहेंगे कि बाकी जगहों में अगर धांधली हुई है तो उस पर आप आंखें बंद कर ले क्योंकि केपी में तो आपको हुकूमत दे दी गई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो डिजाइनर है, जिन लोगों ने ये इलेक्शन इस तरह से मैनेज किया है, उनका प्रोग्राम भी यही था कि केपी छोटा सूबा है वहां इनको थोड़ी ज्यादा सीटें दे दें, कोई बात नहीं है, बाकी जगहों पर जब बात होगी तो हम डिफेंस में इनको ये दलाइल देंगे। लेकिन एक बात आपको बताऊं, केपी में भी हम ये समझते हैं और हमारा मौकफ यह है कि हमें हमारा हक नहीं दिया गया। हमें अगर वाकई इलेक्शन होते और सही अंदाज में साफ शफाफ होते तो हम जो मौजूदा सीटें हमने जीती हैं इससे हम कई ज्यादा सीटें जीतते। और फिर आज का जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, समझता हूं कि शायद कोई भी नहीं होगा। आप सैकड़ों सीटें जो है हमारी कम से कम, मैं समझता हूं अगर 100 से ज्यादा नहीं तो 100 से कम भी नहीं है सीटें हमारी जो है ओवरऑल पाकिस्तान में हम लूज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के 3 लोगों के फैसले की वजह से। तो ये जो इस तरह का तरीकाकार है उसने यकीनन तल्खियां पैदा करनी है। मैं अपने मुखालफीन पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो गंदगी है, ये जो प्रॉब्लम है, ये सबको अपनी लपेट में लेगी। आज पीटीआई सफर कर रही है, कल कोई और सफर करेगा। ये रवैया, ये तरीकाकार जो है इसका इलाज होना चाहिए मुल्क की सलामती के लिए और जमहूरियत की बका के लिए। बिरसर साहब, जिस तरह मौलाना साहब के लिए जो आपकी कयादत ने जबान इस्तेमाल की, जलसों में जो नारे लगते थे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और उसी के साथ जो महमूद खान अचकज़ई के लिए कहा जाता था, वो आज आपने उनको सदारत के लिए नॉमिनेट किया है कि वो होंगे, मौलाना फजल रहमान से आपने वोट भी मांगा है, सपोर्ट भी, आप कह रहे हैं कि मिलके 1 पॉइंट एजेंडा यानी कि दांधली को लेकर हम तहरीक चलाएं, एहतजाज करें, मतलब तो एक बड़ा फर्क था आपकी सियासत में, आपकी सोच में, आपके पीटीआई के बानी चेयरमैन की सोच में, ऐसा क्या हुआ, कोई ऐसी लचक दिखाई कि जाके आप उनसे मिले? सत्य के मैदान में तय ख्याल करना, उनको अपने मौकफ पर राजी करने के लिए या उनको अपनी हिमायत में आप पर आमादा करने के लिए उनसे
इंटरेक्शन करना, मेरे ख्याल में ये तो सियासत का हिस्सा है। हम भी सियासी जमात है, पीटीआई भी सियासी जमात है, पाकिस्तान की पार्लियामानी सियासत में एक फाल किरदार अदा कर रही है, तो यकीनन ये तो हमारी सियासत का हिस्सा है। हम लोगों के पास जाएंगे, मिलेंगे जिन जिन लोगों के बारे में हमें यकीन है कि या हमें उम्मीद है कि वो हमारा साथ देंगे। अब रहेगी बात ये जो महमूद खान अचकजई साहब को सदारती उम्मीदवार नामजद करने की बात है, तो यही तो मैं समझता हूं कि पीटीआई के तरीकेकार का हुसन है कि अगर आप देखें तो हमने अपने एक ऐसे सियासी लीडर को अपना उम्मीदवार नामजद किया जो जिसका हमारी पार्टी से भी कोई ताल्लुक नहीं है। वो बलूचिस्तान के साथ उनका एक जो उनकी जो पार्टी है, उनकी मेन सियासत का जो महवर है वो बलूचिस्तान में है, लेकिन उसके बावजूद हमने उनको नेशनल सतह पे अपना उम्मीदवार नामजद किया ताकि वफाक मजबूत हो, ताकि पाकिस्तान में जमहूरी अकदार मजबूत हो। रह गई बात एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की, तो देखें क्या पीपल्स पार्टी के कायदीन ने, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ बयानात नहीं दिए, क्या कार्रवाइयां नहीं हुई, किस हद तक गए हैं, तो लेकिन आज वो हुकूमत में साथ बैठे हैं। क्या एमपीएम के खिलाफ बयानबाजी नहीं हुई, क्या एमपीएम ने इनके खिलाफ बयानबाजी नहीं की, लेकिन आज वो हुकूमत में साथ बैठे हैं। आज का बयानिया उस बयानिए से जमीन आसमान का फर्क है बैरिस्टर साहब। देखें मैं इस सिलसिले में एक बड़ी सिंपल सी बात कहूंगा और वो ये है कि बयानिया हालात के तनाजर में बनता है। एक जमाना था जब पीटीआई की सियासत जो है वो एग्रेसिव बयानबाजी पर थी, और आज भी पाकिस्तान की कई ऐसी पार्टियां हैं जो बहुत सख्त बयानबाजी के जरिए अपना बयानिया पेश करती हैं। अब वो तनाजर जो है वो जब बदल जाए तो फिर आप यकीनन अपने बयानिए को भी बदलते, आप अपने मौकफ को नहीं बदलते, आप अपने ऑब्जेक्टिव को नहीं बदलते, आप अपने नजरिए को नहीं बदलते, लेकिन आपके अल्फाज की अदायगी सही। बैरिस्टर साहब मुझे बैरिस्टर साहब टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, आप टेलीफोन लाइन पे ही रहें। मोहतरम जना मोहम्मद रफीक रजवाना साहब मेरे साथ हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान, किसी तारुफ और तारीफ के मोहताज नहीं है। मैं जनाब आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। जनाब जो हालात हैं आपके सामने, मोहतरम जनाब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हो गए, हलफ उन्होंने ले लिया, उन्होंने सबसे पहले दो तीन चीज़ें बड़ी अहम कही हैं, एक तो इंतकाम की सियासत नहीं होगी, सबको लेके साथ चलेंगे क्योंकि मुल्क के मुआशी हालात ऐसे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो लेट्स अप्रिशिएटेड जी, अच्छी बात है उन्होंने, वजीर आजम साहब ने जो तकरीर की है उसको अगर हम पॉजिटिवली देखें, नुक्स निकालने बैठे तो लोग नुक्स निकाल लेते हैं, उसको देखें और दुआ करें अल्लाह करे जो उन्होंने कहा इसी तरह से ये मुल्क का निजाम ऐसे चले और सारे मिलके चले। इससे बड़ी ख्वाहिश और इससे बड़ी दुआ और इससे बड़ी काविश और क्या हो सकती है। रफीक साहब इसी के साथ भी नून लीग का ये मौकफ आया है, राणा सनावला साहब ने भी कहा है कि हम धांधली के हवाले से कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं, आपकी क़यादत हो, पीपल्स पार्टी की क़यादत हो। वो बार बार कहते हैं कि तीन सूबों के अंदर जहां से हार के आए वहां कह रहे हैं धांधली, जहां जीत के आए वहां कहते हैं धांधली नहीं हुई, क्या कहेंगे रफीक साहब? देखिए जी मैं तो कानून का तालिब इल्म हूँ, कमीशन की कोई गुंजाइश नहीं होती है, पहले भी ऐसे चलता रहा पिछले दौर में जब 35 पंक्चर और फलां इतने सीटें खोल दे। बात यह है उसका तरीकाकार है, कानून है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। हाँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे तहफात लोगों के जायज है कि अगला इलेक्शन आ जाते और ट्रिब्यूनल में केसों के फैसले नहीं होते, उस पर कोई लेजिस्लेशन ऐसी हो, कोई अलहदा ट्रिब्यूनल हो जिनका और कोई काम ना हो, यही केसेस का फैसला करे और जल्दी हो जाना चाहिए। जिस जिसकी ग्रीवियंस है अगर कोई सही है तो उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए, कोई गलत है तो वो झूठा साबित होना चाहिए। सर एक तरफ तो आपको पता है पीपल्स पार्टी ने भी किरदार अदा किया है माजी में भी, अभी भी आपके साथ हैं, कयादत उनकी। आज ख्वाजा आसिफ साहब पार्लिमानी लीडर हैं, बड़ी अहम जगह पे बैठे हूँ, आज भी उन्होंने दावत दी है कि पीपल्स पार्टी आए और काबीना का हिस्सा बने, जैसे बहरान हैं, मसाइल हैं, इसको शेयर किया जाए, तीनों सियासी जमातें मिल के इन बहरानों को हल करें, क्या कहेंगे रफीक साहब? अच्छी बात है जी, मिल के जाना चाहिए। असल में अगर ये सोचेंगे जिसकी हुकूमत होगी तो उसी के हिस्से में सारे कांटे पड़ेंगे और फूल शायद वो जो हुकूमत में शामिल नहीं होंगे समेट के चले जाएंगे। ये कांटों की सेज है और कांटे भी सबके हिस्से में आएंगे और फूल भी सबके हिस्से में आएंगे, कोई पहलू तो ही नहीं कर सकता, चाहे कोई वजारत ले या ना ले।
उतना ही अपोजिशन का रोल है। बरसे साहब आपकी तरफ आऊंगा, रफीक साहब की आपने बात बताई, उन्होंने कहा है कि क्राइसिस है, कांटों की सेज है, फूलों की सेज नहीं है हकूमत, और इस मुल्क के अंदर हकूमत करना इतना आसान भी नहीं होता। आपको पता है जो भी सियासी जमात होती है वो गैर मकबूल फैसले करती है, उसके उसका असर पार्टी के ऊपर पड़ता है। क्या कहेंगे बैरिस्टर साहब? लाइन ड्रॉप हुआ बैरिस्टर साहब की। रफीक साहब आप टेलीफोन लाइन पे हैं? रफीक साहब के भी टेलीफोन लाइन नहीं है। ब्रेक जो टाइम थी नादरीन ब्रेक खां पो था जूं डिस्कशंस के अगते वधन। वेलकम बैक नाज़रीन, मुझे टेलीलाइन पे हैं जिस तरह कंटिन्यू मेरे साथ हैं मोहम्मद रफीक रजवाना साहब, मारूफ सियासतदान है, सीनियर पॉलिटिशियन से पार्लियामेंटेरियन है, गवर्नर रह चुके हैं, नून लीग से उनका ताल्लुक है। रफीक साहब मतलब तो ऐसी सियासत आन पड़ी, मौलाना फजल रहमान जिस तरह सियासी एक लोग जिस तरह कह रहे हैं कि सियासी कलाबाजी उन्होंने खाई है, जाके पीटीआई के साथ मिले और जो उनके बयानात हैं कि तहरीक चलाते हैं, इस रिजल्ट को मुस्तरद करते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग को वही मैंडेट मिला जो 2018 में था, क्या कहेंगे रफीक साहब? ये बयान उन्होंने दिया है, उनसे पूछे मौलाना फजल रहमान ने किस लिए कहा और क्या वजह है। उनके बयान पे मैं तो तबसरा को ज्यादा नहीं कर सकता, मेरी उनसे नियाज मंदी है। मियां साहब ने भी रابطہ किया था मुलाकात मौलाना साहब, मगर बात यह है कि इस वक्त ये बायकॉट करने से, बायकॉट तो नहीं किया उन्होंने, इस तरह से दूर रहने से और परे हट के बैठने से मसाइल का हल नहीं होगा। उनको तो चाहिए कि पार्लियामेंट की मदद करे, उनको चाहिए हुकूमत की मदद करे, उनको चाहिए मुल्क चलाने में अपना हिस्सा डाले ताकि ये मुल्क किसी किनारे पे जाए, किसी मुल्क किसी सिमत दुरुस्त तो हर किसी को अपना हिस्सा डालना चाहिए ना। अगर मुझे इख्तलाफ है जी, मुझे धांधली से हरा दिया है, चाहे गलत हो या सही हो, इसलिए मैं कहूँ मैं मुल्क चलाने में हिस्सा नहीं डालता, तो फिर मुल्क के साथ वो ना इंसाफी होगी जी। सर ना इंसाफी तो हो रही, आपको खुद पता है खत लिखा गया IMF को, ये तो मुल्क दुश्मनी है, मुल्क दोस्ती तो नहीं है। जहां मईशियत का ये हाल हो, महंगाई आपके सामने हो, बेरोजगारी आपके सामने हो, अब बात यह जी कि जहां खुद गर्जी हो और मैं की बात हो कि अगर मैं इक्तदार में नहीं तो मुल्क जाए बाढ़ में, तो फिर उससे मुल्क दुश्मनी कहें, उसको हुब्बुल वतनी तो कम से कम नहीं कह सकते आप। IMF को खत लिखने से क्या मतलब है कि उन्होंने अपनी भड़ास तो निकाल दी, मगर उसका नुकसान क्या हुआ? दुनिया क्या समझेगी कि इनके सियासतदान ऐसे हैं कि आपस में लड़ते हैं और IMF को खत लिख देते हैं कि इस मुल्क को इमदाद ना दे ताकि ये मर रहा है तो डूबता है तो और डबो दें इसको बीच समंदर में और उभरने भी ना दें। ये तो कोई दुनिया का जीरे इंसान ये तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि किसी मुल्क के सियासतदान इस तरह से भी काम करेंगे कि मुल्क की जो मईशत है उसको आगे चलाने के बजाय उसको डबोने की कोशिश करेंगे। और डबोने का वो समझते हैं शायद ये फायदा होगा कि जिसकी हुकूमत है वो डूबेगी, डूबेगी वो नहीं, फिर सारे डूबेंगे। और रफीक साहब COD हुआ था मियां साहब और शहीद बीबी के बीच में, एक दफा फिर आपकी कयादत ने मीसा के मईशियत की बात की, फिर आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी मुफामत की सियासत, अब कह रहे हैं कि मीसा के मुफामत होनी चाहिए, जो ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए नेशनल इश्यूज के ऊपर, जाति मुफादात पार्टी मुफादात को एक साथ रख के, आज इसकी अशद जरूरत है रफीक साहब? ये तो हमेशा अच्छा जरूरत रही है, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था बेनजीर और मियां साहब के दरमियान उस वक्त भी जरूरत थी, हर वक्त जरूरत होती है, ये कोई नई बात नहीं है। मगर बात ये है कि हुकूमत ने वजीर आजम साहब ने ऑफर दी है, तो आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ साहब हिजब इख्तलाफ में थे और लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था इमरान खान साहब को आइए मिल के चलते हैं, मिसा के मईशत करते हैं। उन्होंने तो एक ही नारा लगाया, चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, दहशतगर्दों के साथ मिला लिया और सियासतदानों के साथ ना मिलाया, और मुल्क को कहां तक ले गए, और फिर यही फसाद झगड़ा एहतजाज और जलाओ गिराओ और 9 मई, ये सारा कुछ फिर क्या हासिल हुआ? अगर वो अजम एतमाद के बाद पार्लियामेंट में बैठे रहते और इसी तरह से चलते आज वो जेल में भी ना होते, शायद 9 मई का वाक्य भी ना होता, जलाओ गिराओ भी ना होता, जायज नाजायज उन पर मुकदमात भी ना होते, ये शोर वगैरह भी ना होता और आराम से पार्लियामेंट में आगे बैठ जाते। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब मोहम्मद रफीक रजवाना साहब, जेके हालात आइन जलाओ गिराओ जी सियासत कन्फ्रंटेशन जी सियासत मुल्क के जरूरत आ मुफामत जी सियासत जी जरूरत आए, जी तो अपोजिशन जो है जो शोर करे
पर गवर्नमेंट उनके इग्नोर करे पंजी गवर्नमेंट के कंटिन्यू रखे इन हालात में इस्तेहकाम की जरूरत है सियासी इस्तेहकाम की मैशी इस्तेहकाम तो तदें ही जैसे सियासी इस्तेहकाम इन सा गुजाज़ अल्लाह हाफिज़।